हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग बात करेंगे लिमिट्स के बारे में, जो कि हम लोग कल पढ़ चुके थे, तो आज के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चैप्टर जैसा कि हमारे पास लिमिट, ओके। तो लिमिट में हमने क्या पढ़ा था कल, एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं पहले उसके बारे में। लिमिट में क्या होता है कि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट होती है एंड राइट हैंड लिमिट होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, जिस पॉइंट की बात करते हैं उस पॉइंट से लेफ्ट पोर्शन, मतलब अगर मैंने ए पॉइंट की बात की, जैसे यहाँ पर ए पॉइंट की बात की, ऐसी कोश होगी ए से लेफ्ट, मतलब ए नेगेटिव, एंड ए से राइट साइड की बात करें तो ए पॉजिटिव। अगर ये वैल्यू दोनों सेम आएंगे एनएचएल और आरएचएल की, तो हम अगर वो वैल्यू सेम आ रही है तो उसे बोलते हैं हम लोग लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ओके। मैंने आपको बताया था कि एलएचएल और आरएचएल अगर इक्वल आ जाएंगे तो जो लिमिट है वो एक्स इक्वल टू ए पर एफ एक्स एग्जिस्ट करेगी, ओके, एग्जिस्ट करेगी। तो उसके बारे में बात कर रहे थे, तो हम लोग आज इसी के आगे जो क्वेश्चन से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इफ एफ एक्स इक्वल टू, इफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन जीरो मॉड एक्स माइनस वन, ये है x लेस देन 0 के लिए, ये है x इक्वल टू 0 के लिए, और ये है x ग्रेटर देन 0 के लिए, ओके। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, फॉर व्हाट वैल्यूज, फॉर व्हाट वैल्यूज, ओके, ये भी होती है, इसका मतलब है एक वैल्यू हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a of a, thus limit extending to a, thus limit extending to a f x exists, okay। ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे फंक्शन दिया गया है, आपको ये बताना है कि किस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है, सॉरी किस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। आपको बताया था कि एग्जिस्ट करने के लिए क्या होता है, LHL इक्वल टू RHL होता है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बात करनी है। तो एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद में अगर फिर मैं बता दूँ वो सॉल्व करने के लिए, ओके। मतलब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखिए LHL के लिए क्या करेंगे, हम लोग फिर से वही पार्ट करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है 0 पॉइंट, तो 0 से लेफ्ट साइड और 0 से राइट साइड की बात करेंगे। ऐसे क्वेश्चन ने बोला है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन जीरो एंड मॉड एक्स माइनस वन, ओके। यहाँ पे बात करनी है कि किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एक्स लिमिट एक्स इनटू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। तो अगर एफ एक्स एग्जिस्ट करना है, मतलब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हम पहले 0 पे चेक कर लेंगे, 0 से राइट साइड पहले से दिख रहा है हमारे पास कैसा आएगा, एग्जिस्ट करेगा। तो पहले से की बात करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव एफ एक्स के आएगा 0 नेगेटिव के लिए मॉड एक्स प्लस वन, ओके। मॉड एक्स प्लस वन यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट एक्स एक्सटेंडिंग टू 0, आपको कल बताया था कि 0 नेगेटिव का मतलब है एक्स को 0 माइनस एच से रिप्लेस कर देंगे, जहाँ पे एच जो होगा वो क्या हो जाएगा, टेंस टू 0 होता है, यहाँ पे जाएगा मॉड 0 माइनस एच प्लस वन, 0 माइनस एच का मतलब क्या हो गया, माइनस एच, ओके। और यहाँ पे मॉड क्या है, तो यहाँ पे प्लस एच हो जाएगा, तो एच प्लस वन लिमिट एच टेंडिंग टू 0, फिर वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, अप्लाइंग लिमिट करेंगे, अप्लाइंग लिमिट, तो हमारे पास क्या आएगा, 0 प्लस 1 दैट इज 1, ओके। ये बात हो गई हमारे पास LHL की। अब बात करेंगे हम लोग RHL की, RHL क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, मॉड एक्स माइनस 1, यहाँ पे मॉड एक्स माइनस 1 पुट किया, मॉड एक्स माइनस 1 पुट करने के बाद में क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, देन यहाँ पे 0 प्लस एच एंड माइनस में 1, ओके। मॉड के अंदर 0 प्लस एच है, मतलब 0 प्लस एच मतलब एच, और मॉड एच मतलब एच है, क्योंकि एच के है लेफ्ट राइट साइड की बात हुई है, ये पॉजिटिव हो जाएगा माइनस 1। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं अप्लाई लिमिट करूँगा
बात करेंगे तो क्या आएगा, जीरो माइनस वन, दैट इज माइनस वन। ये हो गए एलएचएल की वैल्यू आई है वन और आरएचएल की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस वन। मतलब कहने का है कि एलएचएल डज नॉट इक्वल टू आरएचएल, तो लिमिट क्या हो जाएगी एक्सटेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। जीरो को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, क्यों, क्योंकि मॉड एक्स से वन की बात करेंगे तो यहाँ पे वन की बात माइनस वन की बात करेंगे तो माइनस वन लिमिट हो जाएगा वन माइनस वन माइनस एच, माइनस वन प्लस हो जाएगा हमारे पास सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे उसके लिए बात करेंगे तो फंक्शन यही आएगा क्योंकि जीरो से लेस पोर्शन और माइनस वन क्या हुआ हमारे पास, माइनस वन जीरो से पहले से ही लेस है तो जीरो को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज के लिए हमारे पास क्या जाएगा फंक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। ठीक, नोटिंग डाउन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे उसके बाद में, तो आपका आंसर क्या होगा इसके लिए बात करते हैं। एक्स इक्वल टू एक्स जीरो को छोड़ के मतलब आर माइनस जीरो, ये आपका आंसर आएगा कि आर माइनस जीरो एट इक्वल टू आर माइनस जीरो। ओके, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, हमसे बोला कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डज लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट करेंगे तब क्या, जीरो को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सपोज एफ एक्स इक्वल टू ए प्लस डी एक्स फोर एंड बी माइनस ए एक्स, एक्स लेस देन वन, एक्स इक्वल टू वन, एक्स ग्रेटर देन वन एंड if limit x tending to 1 fx, limit x tending to 1 fx equal to f of 1 equal to f of 1, then what is the possible values of, what is the possible values of a and सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम,
इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देंगे। ओके मैं नीचे लिख रहा हूं यहां पर एडिंग इक्वेशन वन एंड टू। जैसे ही हम ऐड करेंगे ध्यान से देखिए ऐड करेंगे तो ए और ए कैसा हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा देन बी एंड बी टू बी इक्वल टू फोर प्लस फोर एट टू बी इक्वल टू एट बी इज इक्वल टू फोर। अगर b की वैल्यू 4 आ गई हम किसी भी प्लेस पे रख देंगे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। b 4 रखेंगे तो a इक्वल टू 4 माइनस 4 0 फिर हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई 0। ये आपका आंसर रहेगा। ऐसे बोला है व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a एंड b देन a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 4। ओके नोट इट डाउन। बात हो गई हमारे पास इंट्रोडक्शन की। आज बात करेंगे हम लोग उसके बारे में कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा से क्या मीनिंग है हमारा? अलजेब्रा से मीनिंग है कि अगर हमारे पास लिमिट दी हुई है लिमिट x टेंडिंग टू a fx प्लस gx दो फंक्शन दिए हुए हैं ऐसा बोला है लिमिट तो हमारे पास जो लिमिट होती है वो सेपरेट हो जाती है दैट मींस लिमिट x टेंडिंग टू a fx प्लस लिमिट x टेंडिंग टू a gx। ओके ये हो गया हमारे पास अलजेब्रा। अलजेब्रा मतलब होता है एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके फर्स्ट फंक्शन है सॉरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है सेकंड है लिमिट x टेंडिंग टू a fx माइनस gx यहां पे क्या रहेगा लिमिट x टेंडिंग टू a fx माइनस लिमिट x टेंडिंग टू a gx। जैसा कि हमने एडिशन में किया हुआ है लिमिट को सेपरेट वैसे ही यहां पे सबट्रैक्शन में भी हो जाता है। थर्ड लिमिट x टेंडिंग टू a प्रोडक्ट दिया हुआ है fx into gx ओके यहां पे लिमिट का रहेगी सेपरेट जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू fx into लिमिट x टेंडिंग टू a gx। ओके नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू a fx अपॉन में gx मींस डिवीजन दिया हुआ है तब भी हमारे पास लिमिट क्या रहेगी सेपरेट जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू a fx अपॉन में लिमिट x टेंडिंग टू a gx पर कंडीशन लग जाएगी कि लिमिट x टेंडिंग टू a gx जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों जीरो हो जाएगा तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये कंडीशन लग जाती है कि लिमिट x टेंडिंग टू a gx डज नॉट इक्वल टू 0। ओके नोट इट डाउन। ये फोर प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? अभी क्या पढ़ रहे थे हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे फिफ्थ नंबर क्या है मेरे पास? अगर मैं किसी प्रॉपर्टी में किसी फंक्शन में हमने यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी से मल्टीपल कर दिया k into f x where k is a scalar then हमारे पास वो क्या होता है यहाँ पे equal to k times limit x tending to a f x कहने का मतलब क्या है हमारे पास function में अगर कोई constant से multiple है तो constant बाहर आता है और limit कहाँ पे रखती है function पे रखती है। okay note it down। next
सेक्शनल प्रॉपर्टी लिमिट एक्सटेंडेड टू ए मॉड ऑफ एफ एक्स फंक्शन के बाद मॉड लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मॉड लिमिट एक्सटेंडेड टू ए एफ एक्स तो हमारे पास क्या होता है अगर फंक्शन में मॉड है तो लिमिट जो होती है वो फंक्शन के अंदर लग जाती है मॉड के अंदर ओके ये हमारे पास प्रॉपर्टी होगी नेक्स्ट है फंक्शन अगर हमारे पास फंक्शन रेस टू में फंक्शन है एफ एक्स रेस टू में जी एक्स ऐसा दिया हुआ तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो लिमिट होगी वो भी सेपरेट हो जाएगी लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स रेस टू में लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स ये इंपॉर्टेंट है इसे ध्यान से देखिए फिर बात करेंगे एट नंबर प्रॉपर्टी की अगर हमारे पास लिमिट सॉरी एफ एक्स जो है वो जी एक्स से लेस और इक्वल टू है अगर मैं इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम क्या करेंगे दैट इज या इंप्लाइज दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स ऑलवेज लेस और इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स ओके इंटरमीडिएट फॉर्म क्या होता है एंड इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट ये नेक्स्ट पॉइंट है इंटरमीडिएट फॉर्म एंड इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट जैसे कि मैंने कल आपको स्टार्टिंग जब स्टार्ट किया था एक क्वेश्चन दिया था कौन सा लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन में एक्स माइनस टू तो यहाँ पे जैसे ही आप वैल्यू पुट कर रहे थे तो हमारे पास एक फॉर्म मिल रहा था 0/0 फॉर्म ये जो फॉर्म होता है इसी का नेम होता है हमारे पास इंटरमीडिएट फॉर्म ओके और किसी भी इंटरमीडिएट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमेशा जो फॉर्म करेंगे उसमें हम फंक्शन को सॉल्व करेंगे इंटरमीडिएट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए वो इवेल्युएशन करते हैं तो हमारे पास उसी को सॉल्व करते हैं जैसे इंटरमीडिएट फॉर्म से सॉल्व करते हैं जहाँ पे हमारे पास 0/0 फॉर्म लगेगा दैट इज इंटरमीडिएट फॉर्म और इंटरमीडिएट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे कुछ टेक्निक्स अप्लाई करते हैं जैसे कि रैशनलाइजेशन हो गया एंड यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो गया इस तरह बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म होते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताया था कौन सा एक्स इज माइनस टू एंड एक्स प्लस टू अपॉन में एक्स माइनस टू तो x माइनस टू एंड x माइनस टू कैंसिल आउट होने के बाद में लिमिट आया था अप्लाई कर रही थी 2+2 ओके दैट ही क्या आया था हमारे पास 4 तो वैसे ही हमारे पास इसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट फॉर्म तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं एक क्वेश्चन हो गया हमारे पास ये एक क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए 1 सॉरी एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 एक ए फॉर्म हो गया इसी में से करेंगे इसे फैक्टराइजेशन में से सॉल्व करेंगे कैसे इसको लिखेंगे 1 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 1 देन एक्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ओके अपॉन में एक्स माइनस 1 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 यहाँ पे एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट होने के बाद में क्या बचेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अप्लाई लिमिट करेंगे तो क्या जाएगा 1 + 1 + 1 आंसर इज अ 3 ओके तो ये हमारे पास होता है फैक्टराइजेशन मेथड सेकंड में क्वेश्चन लेते हैं रैशनलाइजेशन मेथड अभी मैं आपको जब थोड़ा सा इंट्रो करा रहा हूँ जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0
ऑफ 1 प्लस x माइनस रूट ऑफ 1 माइनस x अपॉन में x ऐसा दिया हुआ है। तब क्या करेंगे हम, तब यहाँ पर ध्यान से देखें लिमिट पुट कर लेंगे और आए 1 प्लस 0 बनजे 1 रूट ऑफ 1 क्या होता है 1 माइनस और रूट ऑफ 1 माइनस 0 1 और रूट ऑफ 1 क्या होता है 1 तो 1 माइनस 1 क्या है हमारे पास 0। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए लिमिट जैसे ही पुट कर रहे हैं तो हमारे पास डिनोमिनेटर क्या मिल रहा है 0 और डिनोमिनेटर क्या पहले से ही 0 x दिया हुआ है तो वो 0 हो जाएगा, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा 0/0 0/0 फॉर्म, दैट इज अभी आपको बताया कि 0/0 फॉर्म इज अ इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म ओके इंडिटरमिनेट फॉर्म तो इसी को देखते हैं होता है हमारे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म second name
मैं आपको बताता हूँ उनका कौन सा मेथड अप्लाई करना है। सेकंड है फैक्टराइजेशन मेथड। अभी आप फोन कर दिया, ये मैं तीनों को कितने टेस्ट के कारण सारे के सारे टेस्ट कर करूंगा कि आपके यहाँ अप्लाई करें। सेकेंड है फिर है रैशनलाइजेशन मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट। बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। नेक्स्ट है मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। यहाँ पर अपॉन में क्या रहेगा, वन प्लस जीरो,
then root of 1 plus root of 1 upon me 1, answer is a 2/1, then answer is a okay. Note it down. ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस। अब मैं इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ, आप उन्हें नोट कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आप इसको नोटबुक में भी सॉल्व करके आपको दिखाना। क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1। नेक्स्ट है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 2x square plus 3x plus 4 upon me x square plus 3x plus 2. Okay, third question. Limit extending to 3, root of 2x plus 3 upon me x plus 3. Okay, ये three questions हैं। फिर fourth question. लिमिट एक्सटेंडेड टू 0, लिमिट एक्सटेंडेड टू 0 x रेज़ टू 1/3 माइनस में 9 अपॉन में x माइनस 27। फिफ्थ क्वेश्चन लिमिट एक्सटेंडेड टू माइनस 1, लिमिट एक्सटेंडेड टू माइनस 1 x क्यूब माइनस में 3x प्लस में 1 अपॉन में x माइनस में 1। ये फाइव क्वेश्चन है जो डायरेक्ट सिचुएशन के हैं, आप इसको सॉल्व कीजिए। ओके, डायरेक्ट सिचुएशन बहुत इजी होता है। जो आप बात करने जा रहे हैं यहां पे आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको फैक्टराइज करके सॉल्व करना है और कब नहीं करना है। ओके, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट मेथड है हमारे पास सेकेंड मेथड फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखिए जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 4 सॉरी प्लस में 6 अपॉन में x स्क्वायर माइनस में 4। यहां पे सॉल्व करते हैं, आप देखिए मैंने जैसे ही 2 पुट कर रहा हूं यहां पे क्या होगा 4, यहां पे 10 प्लस 6 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 0, मीन्स हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास 0 बन रहा है न्यूमरेटर। यहाँ पे रखेंगे 2 स्क्वायर माइनस में 4, 4 माइनस 4 0, यहाँ से देखिए 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है, क्या बन रहा है 0 बाई 0 फॉर्म, 0 बाई 0 फॉर्म बनेगा। तो हमारे पास अब यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करके क्या हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 6, ऐसे फैक्टर करेंगे 6 के लिए आधा ऐड करने पे करने के लिए x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2x प्लस में 6, 3 टू 6 और 3 प्लस करने पे हमारे पास क्या आ रहा है 5 आ रहा है अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x माइनस 3 एंड x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2 एंड x प्लस 2। ओके, ये फॉर्म में बन गए हमारे पास, then x minus 2 and x minus 2 क्या हो गया eliminate हो गया, क्या बचा हमारे पास limit extending to 2 x minus 3 upon में x plus 2। limit apply करके देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, applying limit यहाँ पे 2 minus 3 upon में 2 plus 2 minus 1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, note it down। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए,
अभी थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ भी रहा होगा कि कब आपको यहाँ पे ये फैक्टर से बनता है अप्लाई करना है और कब नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं लोग, लिमिट एक्स टेंड टू लिमिट एक्स टेंड टू वन एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन। ओके इसे आप ट्राई कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मैं एग्जाम्पल लिए थे तब ये क्वेश्चन दिया था। ओके वैसे ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, एक बार फिर से ट्राई कीजिए। क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू वन ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस प्लस एक्स इंटू वन अपॉन में एक्स माइनस वन। ओके एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस वन कैंसिल आउट, लिमिट एक्स टेंड टू वन ये कैंसिल हुआ, क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन प्लस वन। अप्लाई लिमिट करेंगे वन प्लस वन प्लस वन, आंसर इज थ्री। ओके ये हमारे पास डायरेक्टली कैसे अप्लाई किया, क्यों अप्लाई किया, फिर से देखते हैं। यहाँ पर वन थ्री क्या मिलेगा, वन माइनस वन जीरो एंड जीरो, जीरो बाय जीरो फॉर्म मीन्स इनडिटरमिनेट फॉर्म कर दें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, अपॉन में x माइनस टू स्क्वायर इंटू में x प्लस 2
टू स्क्वायर एक्स माइनस टू कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास लिमिट एक्स टेंड इनटू टू एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस टू का परफेक्ट स्क्वायर। फिर से देखिए एक्स माइनस टू का फैक्टर है हमारे पास, जैसे अप्लाई किया क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस बाई टू, ये डिवाइड करोगे तभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद में यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस फोर है उसको फैक्टर किया एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस टू और परफेक्ट स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर। अगर ए माइनस ए स्क्वायर आपको यही पता है कि ए बी का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है ए बी ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। ओके ये हो गया हमारे पास के लिए बात। अब देखिए x माइनस टू और x प्लस वन निकल जाएगा x माइनस टू स्क्वायर रिमेनिंग क्या हो जाएगा x प्लस वन, x माइनस टू स्क्वायर कैंसल आउट हो गया x प्लस वन अपॉन में x प्लस टू स्क्वायर रिमेन। अब क्या करेंगे अब फिर से पुट करते हैं, अगर अभी भी जीरो बाय जीरो फॉर्म मिल रहा है तो हम फिर से इसको पुट करेंगे, अगर नहीं मिल रहा है डायरेक्टली कोई फाइनाइट वैल्यू मिल रही है तो हम यही पे आपको लिमिट अप्लाई कर देंगे। अप्लाई लिमिट करेंगे 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 2 परफेक्ट स्क्वायर 3 बाय 4 स्क्वायर मींस 3 अपॉन 16। ओके ये आपका इसका आंसर। नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है लिमिट x टेंडिंग टू 2 लिमिट x टेंडिंग टू 2 x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 11x सॉरी प्लस 11x माइनस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ये क्वेश्चन है इसे सॉल्व करना है। फिर से ट्राई कीजिए अभी आप इसको। देखिए यहां पे तो पुट किया 8 into 2 square 4 4 6 is 24 minus 16 फिर से देखिए क्या किया 2 into 8 यहाँ पे कर आप नहीं समझ रहे ये देखो 8 6 into 2 square means 6 into 4 24 minus 24 11 into 2 plus 22 minus 6 upon 2 square 4 minus 6 into 2 12 और प्लस 8 ध्यान से देखिए 8 और 6 सॉरी 8 और 22 30 24 और 6 30 30 माइनस 30 0 और यहाँ पे 8 और 4 12 12 माइनस 12 0 ध्यान से देखिए क्या बनता है हमारे पास 0 बाय 0 फॉर्म बनता है हमारे पास ये बनता है। तो हम फिर क्या करेंगे यहाँ पर हमें फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड कैसे अप्लाई करेंगे आपको यहाँ पे आपको मान गया कि यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस कि x क्यूब है अब यहाँ पे क्यूब आ गई इक्वेशन क्यूब आ गई। मैंने बताया था इसके पहले क्वेश्चन में कि अगर 2 पे 0 हो रहा है तो 2 उसका क्या होगा फैक्टर होगा मेरे सामने क्या हो जाएगा x माइनस 2 जो है उसका एक फैक्टर होगा x माइनस 2 से समथिंग को डिवाइड कर देंगे x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस में 3 सॉरी प्लस में 3 राइट। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर x क्यूब हो गया हमारे पास बन गया यहाँ पे 3x बन गया तो रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए 6x स्क्वायर है बट यहाँ पे माइनस 2 स्क्वायर हो गया हुआ हमारे पास माइनस में 4x की कमी पड़ रही थी। अब देखते हैं फिर से x क्यूब है माइनस 2x स्क्वायर एंड माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस में 8x और प्लस में 3x सॉरी प्लस में 8x और प्लस में 3x 11x माइनस 2 एंड प्लस 3 6 सही हो रही है। फिर से यहाँ पे क्या जाएगा x 4 2 सा 8 होता है और 4 प्लस 2 क्या होता है 6 होता है एंड फैक्टर हो गया x माइनस 2 एंड x माइनस 4 लिमिट x टेंडिंग टू 2। ओके अब फिर से देखेंगे x माइनस 2 और x माइनस 2 कैसा हो गया एलिमिनेट हो गया लिमिट x माइनस 2
x टेंड टू 2 x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3 अपॉन में x माइनस में 4 ओके अब जैसे ही लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 इनटू 2 8 प्लस में 3 अपॉन में 2 माइनस 4 ओके क्या किया है लिमिट को अप्लाई किया है ओके 8 4 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 अपॉन में माइनस 2 देन माइनस एंड माइनस एलिमिनेट हो गया आपका आंसर आ गया 1 बाय 2 ओके ओके इसके बाद मैं इसके कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए आप ट्राई कीजिएगा नहीं आते हैं तो आप ऐसे पूछ लीजिए बट ट्राई जरूर कीजिएगा क्वेश्चन लिखिए लिमिट x टेंड टू हाफ फर्स्ट क्वेश्चन है होमवर्क के लिए लिमिट x टेंड टू हाफ हाफ x cube 8x cube minus 1 upon 8x cube minus 1 upon 16x raised to 4 minus 1 first question is a second question limit x tend into 1 limit x tend into 1 2 upon x minus 1 square minus 1 upon 1 minus x वन माइनस एक्स स्क्वायर है ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन लिमिट एक्स टेंड इनटू वन लिमिट एक्स टेंड इनटू वन वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू लास्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन लिमिट x टेंडिंग टू रूट टू x रेज टू 4 माइनस में 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x रूट टू माइनस 8 ओके ये आपको फोर क्वेश्चन इसके एंड फाइव क्वेश्चन कैसे थे डायरेक्ट सिचुएशन के अब दो क्वेश्चन ये सॉल्व कीजिए इसके बाद वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके आगे इन दोनों टॉपिक्स से जैसे रेस्पिरेशन हुआ एंड रिमेनिंग टू टू टॉपिक नंबर से मेथड्स से उसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ओके आज के लिए रखते हैं बट इन क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आप ये प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये चैप्टर लिमिट जो है वो समझ में आएगा ओके आज के लिए इतना ही इसके आप लोग